हेलो ऑल, मैं अर्पिता, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में एंड जगन्नाथ जी का महाप्रसाद रेसिपी सीरीज में। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, जगन्नाथ जी के जितने भी रिचुअल्स हैं वो बहुत ही नयारे हैं, और वो अब उनके पहनने से लेके खाने तक भले ही कितना बड़ा फेस्टिवल मनाया जा रहा हो, उनके कोई भी रिचुअल्स कभी भी मिस नहीं किया जाता है। तो उसी तरह रथ यात्रा के दिन फेस्टिवल बड़ा है तो काम तो बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जो खाने का रिचुअल है वो प्रॉपरली वो फॉलो किया जाता है, और इसीलिए रथ से चढ़ने के पहले वो जो खाना खाते हैं उसमें एक बहुत चुटुर मुटुर वाला एक खाना वो खाते हैं, घी ऑन राइस एंड दालमा के साथ, और उसका नाम है पोटल भोजा। उड़िया में परवल को पोटल बोल के बोला जाता है। तो ये जो परवल भजा है ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसमें देसी आलू या फिर याम जो होता है वो यूज होता है। हम जो नॉर्मल आलू यूज करते हैं वो नहीं होता है यूज, क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन एक्चुअल में नहीं है। तो श्री मंदिर में कोई भी ऐसा वेजिटेबल्स यूज नहीं होता है जो बाहर के देश में पहले उगाया गया हो, तो इसीलिए ये बहुत ही स्पेशल है। तो चलिए देखते हैं ये जो स्टफ्ड वाला परवल भजा या फिर पोटल भजा कैसे बनता है, और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर। तो हमें चाहिए होगा पॉइंटेड गॉर्ड या परवल, याम, हल्दी, काली मिर्च पाउडर, अदरक, क्लेरिफाइड बटर या घी, राइस फ्लोर, हींग, और लास्टली स्वाद अनुसार नमक। तो ये रेसिपी बनाने के लिए वेजिटेबल कटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम परवल के कटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो परवल का हम जो दोनों पॉइंटेड साइड है वो मैंने यहाँ पे काट दिया है, और उसका जो आउटर स्किन है मैं थोड़ा ऐसे चाकू के सहायता से उसको स्क्रैच कर दे रही हूँ, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और वो पकने में भी इजी हो। तो इसी तरह उसका जो आउटर स्किन हम निकाल देंगे सारे परवल का, और हम उसको रख लेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैं परवल के सारे आउटर स्किन निकाल चुकी हूँ। अभी हम इसी तरह बीच में से ऐसे कट करेंगे, और उसके अंदर के वो जितने बीज हैं वो हम ध्यान से निकाल लेंगे, ताकि हमारा परवल वो टूट भी ना जाए और उसका जो शेप है वो वैसा इंटेक्ट रहे। और हम यहाँ पे ये जो उसका अंदर का बीज है वो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि अंदर हमें स्टफिंग भरना है। तो इसी तरह इस सेम प्रोसेस में हम फॉलो करेंगे और उसके अंदर के जितने भी बीज हैं वो हम निकाल देंगे। अभी मैंने यहाँ पे देसी आलू या फिर जो याम बोलते हैं हम, वो ले लिया है, और उसको मैं अभी अच्छे से काट लूंगी उसका बाहर का स्किन निकाल के। जगन्नाथ मंदिर में हम जो आलू खाते हैं वो कभी भी यूज नहीं होता है, क्योंकि उसका जो ओरिजिन है वो इंडिया से बाहर पहले कल्टीवेशन हुआ था माना जाता है। तो पूरी जगन्नाथ मंदिर में कोई भी ऐसा वेजिटेबल्स या फ्रूट्स यूज नहीं होता है जो इंडिया में पहले उगाया ना गया हो। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसको काट लिया है बड़े बड़े चंक्स में। तो अभी इसको हमें बॉइल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक प्रेशर कुकर ले लिया है, और इसमें मैं अभी हमारे जितने यम थे वो मैंने डाल दिया है। अभी इसमें जाएगा पानी, 2 कप पानी मैंने ऐड कर दिया है, और अभी इसमें जाएगा हल्दी और थोड़ा सा नमक। अभी इसको हम 2 से 3 व्हिसल लगा लेंगे, जैसे कि ये बहुत अच्छे से बॉईल हो जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो 2 व्हिसल के बाद वो बहुत अच्छे से पक गया है। तो चलिए अभी हम इसको मैश कर लेते हैं। तो अभी इसमें मैंने ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा हल्दी, और मैंने अदरक छोटे छोटे काट के रखे थे तो वो भी डाल दिया है। और चलिए अभी इसको हम ऐसे मैश कर लेते हैं, और बहुत अच्छे से इसको एक पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। पेस्ट में कन्वर्ट करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी डाला, और उसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी है हमारा स्टफिंग की बारी। तो मैंने जो परवल लिए थे और उसके अंदर से जितने भी फ्लैश से जो निकाला था उसको मैं ऐसे ही ओपन करूंगी, और उसके अंदर हमारा जो स्टफिंग मैंने बनाया है देसी आलू या फिर याम का, वो अभी ऐसे मैं डाल दूंगी। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और बहुत ध्यान से हमारा जो परवल है उसको ओपन करके उसके अंदर सारे स्टफिंग्स भरने हैं। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने सारे परवल में हमारा स्टफिंग भर दिया है। तो चलिए अभी हम इसको फ्राई करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बाउल में 3/4 कप चावल का आटा ले लिया है, डाल दिया अभी मैंने स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, हींग और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, और उसको एक मैं ऐसे कंसिस्टेंसी में लेके आऊंगी जैसे कि हमें हमारा परवल डालेंगे और वो अच्छे से उसमें कोट हो जाए।
तो अभी मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। और घी गर्म होने के बाद मैंने जो परवल डुबो के रखे थे हमारे बैटर में, वो मैं एक एक करके निकाल के पैन में डालते जाऊंगी। इसी तरह आपको सारे जो हमारे परवल हमने स्टफ करके रखे थे डुबाना है हमारे चावल के बैटर में और उसको ऐसे फ्राई पैन में डालना है। अभी हमें इसको पकाना पड़ेगा सैलो फ्राई मेथड में। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है तो हमें इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे ये अच्छे से पकने के लिए। और कुछ टाइम के बाद, अभी जैसे आप देख सकते हो मैं चेक कर रही हूँ, वो एक साइड उसका पक चुका है 70%। तो चलिए अभी हम इसको ऐसे फ्लिप कर लेते हैं ताकि उसका दूसरा साइड भी अच्छे से पक जाए। और कुछ टाइम पकाने के बाद अभी आप जैसे देख सकते हो कितना सुंदर सा गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है दोनों तरफ से, और हमारा जो परवल है वो बहुत अच्छे से पक चुका है। तो हमारा ये जो पोटल भजा या फिर परवल फ्राई है वो बिल्कुल भी रेडी है खाने के लिए गरम गरम। तो घर पे जरूर बनाइए और आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए अपडेट तुरंत ही मिलते रहें। चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।